हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू कैपिटल स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर टू एंड इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व अबाउट द बेस्ट अल्टरनेटिव टाइप्स अवेलेबल क्वेश्चन एंड दिस टाइप ऑफ वराइटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉर्मली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क इन द पेपर तो इसमें हम सीखेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर में जो एक वराइटी आता है जिसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव आपको दिए रहेंगे एंड अकॉर्डिंगली हमको उस अल्टरनेटिव से क्वेश्चन को सॉल्व करना है काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है और अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी पूछा गया है तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को एंड देन इसको एनालाइज करने का ट्राई करते हैं एम एच टी डी लिमिटेड हैज एन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज फाइव लैक्स डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ हंड्रेड ईच इट विशेष टू रेस फर्दर थ्री लैक्स फॉर इट्स एक्सपांशन तो कंपनी के पास फाइव लाख रुपीज का शेयर कैपिटल है एंड कंपनी क्या करना चाहता है थ्री लाख रुपीज का एक्सपानशन करना चाहता है एंड थ्री लाख रुपीज के एक्सपांशन के लिए टोटल फोर अल्टरनेटिव आर अवेलेबल फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ अल्टरनेटिव वन बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ओनली इसका मतलब तीन लाख पूरा का पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल से ही इश्यू होगा सेकेंड ऑप्शन है वन लैख बाई इशूइंग इक्विटी शेयर्स एंड टू लैख थ्रू डिबेंचर्स और टर्म लोन एट द रेट टेन परसेंट पर एनम तो सेकेंड ऑप्शन में वन लाख इक्विटी शेयर से होगा टू लाख डिबेंचर्स से होगा या टर्म लोन से होगा तीसरा ऑप्शन पूरा का पूरा तीन लाख जो है वो टर्म लोन से होने वाला है और फोर्थ ऑप्शन जो है फोर्थ ऑप्शन में वन लाख इक्विटी शेयर से होगा और टू लैक्स आपका प्रेफरेंस शेयर्स से होगा तो so इसका मतलब अगर हम ये ध्यान से देखें तो वी आर हैविंग फोर ऑप्शंस अवेलेबल चार अल्टरनेटिव्स है टैक्स का रेट है थर्टी फाइव परसेंट ई भी दिया है हमें वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का अभी इसको सॉल्व कैसे करने का बहुत सिंपल है ध्यान से समझना सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम अल्टरनेटिव को यहाँ पे लिखेंगे देखो फर्स्ट अल्टरनेटिव की अगर हम बात करें तो फर्स्ट अल्टरनेटिव में क्या था हमारा फर्स्ट अल्टरनेटिव में था हमारा इक्विटी शेयर्स ठीक है अल्टरनेटिव मतलब अपना जो भी थ्री लाख रुपीज जो हम रेस करने वाले हैं और पहले कंपनी के पास कितने शेयर्स थे फाइव लैक्स के शेयर्स ऑलरेडी थे तो मैंने यहाँ पे देखो किस तरीके से लिखा है इक्विटी एग्जिस्टिंग और न्यू तो ये जो फाइव लैक्स आपको दिख रहा है हर कॉलम में दिस इज एग्जिस्टिंग मतलब कंपनी के पास ऑलरेडी फाइव लैक्स के शेयर कैपिटल का वैल्यू था और अभी कंपनी चाहता है तीन लाख इशू करे तो ऑप्शन नंबर वन हमारा था इक्विटी शेयर से तो ऑप्शन नंबर वन में हमने इक्विटी शेयर लिखा ठीक है ऑप्शन नंबर टू हमारा क्या था ऑप्शन नंबर टू था वन लाख हम इक्विटी से करेंगे और बाकी का टू लैक्स हम क्या करेंगे डिबेंचर्स से करेंगे या लोन से करेंगे देखो तो यहाँ पे मैंने वन लैख इक्विटी में लिखा है जो हम न्यू करके लिखेंगे और टू लैक्स हम लोग डिबेंचर्स या टर्म लोन में लिखेंगे मतलब टू लैख और वन लैक हो गया आपका थ्री लैख थ्री लैक्स को ही आपको रेस करना है तीसरा ऑप्शन क्या था हमारा तीसरा ऑप्शन था हम टेन परसेंट का टर्म लोन ठीक है टर्म लोन से ही इशू करने वाले तो टर्म लोन में मैंने यहाँ पे डिबेंचर्स या टर्म लोन जो एक ही कॉलम है पे उसमें हमने लिख दिया थ्री लैक्स सिमिलरली लास्ट ऑप्शन में क्या है आपका लास्ट ऑप्शन में क्या है आपका लास्ट ऑप्शन में है वन लैख वन लैख हम इशू करेंगे इक्विटी से एंड टू लैक्स हम इशू करेंगे प्रेफरेंस से तो वन लैख इधर लिखा यहाँ पे प्रेफरेंस में टू लैक्स आएगा टू लैक्स प्रेफरेंस से तो टू लैख और वन लैख बन जाएगा थ्री लैक्स और ये टोटल आ जाएगा आपका एट लैक्स तो टोटल देखो आपको यहाँ पे मिल गया टोटल एट लैक्स तो काफी सिंपल है टोटल हमारे पास कितना मिल गया एट लैक्स मिल गया ठीक है बहुत सिंपल कैलकुलेशन है डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस अगर हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करें तो वो भी मैं यहाँ पे ढूंढ के ही दिखाता हूँ आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो देखो कैसे मिलेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू कितना था हमारा फेस वैल्यू है हमारा हंड्रेड राइट right? तो फिफ फाइव लैक्स और थ्री लैक्स कितना बन गया ये टोटल एट लैक्स ठीक है इक्विटी इधर प्रेफरेंस वगैरह नहीं है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे मिलेगा एट लैक्स डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू हंड्रेड एट लैक्स को हम क्या करेंगे फेस वैल्यू हंड्रेड से डिवाइड करेंगे दो जीरो यहां से गया दो जीरो यहां से गया तो फर्स्ट में आपका एट थाउजेंड इक्विटी शेयर्स आएगा ठीक है दूसरे में अगर हम बात करें तो दूसरे में हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं ये फाइव लैक्स और एक एक लाख छः लाख ठीक है छः लाख है दो लाख डिबेंचर्स मत काउंट कर लेना तो ये आपका छः लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू हंड्रेड तो यहाँ पे कितना आएगा सिक्स थाउजेंड शेयर्स आ जाएगा तीसरे वाले ऑप्शन में कितना बन जाएगा तीसरे वाले ऑप्शन में हमारे पास एक ही है फाइव लैक्स तो फाइव लैक्स डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू हंड्रेड एंड दैट विल बी फाइव थाउजेंड शेयर्स ओके नाउ दिस इज फाइव लैख प्लस वन लैख सिक्स लैक्स अगेन इट विल बी सेम ओवर हीयर सिक्स लैक्स डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू हंड्रेड एंड दैट विल बी सिक्स थाउजेंड शेयर्स तो ये भी हमारा हो चुका है नंबर ऑफ शेयर्स मैंने अभी कैलकुलेट इसलिए किया है कि लास्ट में हमको फिर कैलकुलेशंस में ईपीएस कैलकुलेशन करना पड़ता है तो एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं देखो ई हमारा वन फिफ्टी थाउजेंड है टैक्स का परसेंटेज थर्टी फाइव परसेंट है तो चलते हैं सीधा ई से शुरू करते तो अभी हम सब कॉलम में पहले ई को कॉपी कर लेते हैं ई बी आई टी इज वन तो यहाँ पे हमने वन लाख फिफ्टी लिखा सभी कॉलम में काफ़ी सिंपल पॉइंट्स है डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस फॉर्मेट हमेशा सेम रहेगा और ये इजीली आपको फुल मार्क्स दे देगा अभी लेस इंटरेस्ट नाउ इंटरेस्ट हमेशा याद रखना इंटरेस्ट एक तो डिबेंचर्स पे होगा या इंटरेस्ट एक तो लोन पे होगा तो इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा देखो ये फर्स्ट कॉलम जो है फर्स्ट अल्टरनेटिव इसमें यहाँ पे डिबेंचर्स नहीं है या लोन नहीं है टेन परसेंट का इंटरेस्ट है फर्स्ट में नहीं है सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड में है थर्ड में है बराबर सेकंड में कितना है टू लैक्स है थर्ड में कितना है थ्री लैक्स है तो टेन इंटरेस्ट टू लैख का टेन परसेंट आएगा और थ्री लैख का टेन परसेंट आएगा वही हम यहाँ पर प्रजेंट करेंगे अभी यहाँ पर डैश दे देंगे टू लैक्स का टेन परसेंट ट्वेंटी थाउजेंड थ्री लैक्स का टेन परसेंट थर्टी थाउजेंड और हमारे लास्ट अल्टरनेटिव में भी कुछ भी नहीं है अब हम ये पीबीटी ढूंढेंगे पीबीटी इज़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स द वैल्यू विल बी सेम वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इन द फर्स्ट अल्टरनेटिव यहाँ पे आपका आएगा वन लाख थर्टी थाउजेंड हिंदी अल्टरनेटिव सेकेंड यहाँ पे आपका आएगा वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड अल्टरनेटिव थ्री एंड अल्टरनेटिव फोर में वी विल बी गेटिंग द आंसर है सेम वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो दैट इज़ द पॉइंट फिर हमको क्या कैलकुलेट करना है दिस आंसर मिला पी बी टी फिर इसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे थर्टी फाइव परसेंट टैक्स आपको दे दिया है तो आपको ये जो पी बी टी मिला है इस पर आपको थर्टी फाइव परसेंट कैलकुलेट करना है वन लैख फिफ्टी का थर्टी फाइव परसेंट आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन लैख थर्टी का थर्टी फाइव परसेंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी फोर्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिमिलरली वन लैक ट्वेंटी का अगर कैल्कुलेट करेंगे थर्टी फाइव परसेंट तो इट विल बी फोर्टी टू थाउजेंड एंड लास्ट में भी सेम आ जाएगा हमारा फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो करना क्या है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस करना है वी विल बी गेटिंग दी आंसर एस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा नाइन्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड कैसे मिला पी बी टी में से टैक्स मैंने माइनस कर दिया है यहाँ पर आपको मिल जाएगा एटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड काफ़ी सिंपल है यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेवेंटी एट थाउजेंड एंड लास्ट में आपको मिल जाएगा नाइन्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड दिस इज़ योर अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलो अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक बार देख लेते हैं किधर है तो आप अगर ये देखो तो प्रेफरेंशियर कैपिटल इधर लास्ट में है बाकी किसी में भी नहीं है और प्रेफरेंशियर कैपिटल कितना परसेंट है एट परसेंट है तो हमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करना पड़ता है लास्ट में तो हम अगर ध्यान से देखें तो प्रेफरेंस डिविडेंड ये फर्स्ट में नहीं आएगा सेकंड में नहीं आएगा थर्ड में भी नहीं आएगा फोर्थ में टू लाख का प्रेफरेंस था एट परसेंट डिविडेंड था तो टू लाख का एट परसेंट सिक्सटीन थाउजेंड आपका डिविडेंड बन जाएगा नेक्स्ट विल बी द पॉइंट अगेन वी विल बी राइटिंग द सेम आंसर नाइन्टी सेवन ओवर हियर एटी इन द सेकेंड सेवेंटी एट थाउजेंड इन अल्टरनेटिव एंड ये आपका लास्ट में चेंज होगा दिस विल बी एटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो अभी हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं अभी हम इक्विटी ईपीएस कैलकुलेट करेंगे विच इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर देखो ध्यान से अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करना है आपको हर एक को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना है तो अभी हमने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पहले ही ढूंढ के रखा था एट थाउजेंड सिक्स थाउजेंड फाइव थाउजेंड सिक्स थाउजेंड ठीक है मैं यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए लिखता हूं एट थाउजेंड फिर सिक्स थाउजेंड फिर फाइव थाउजेंड एंड अगेन सिक्स थाउजेंड ये वैल्यूज कौन से है दिस इज नंबर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ठीक है डोंट गेट कंफ्यूज अभी हमको डिवाइड करना है नाइन्टी सेवन फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई एट थाउजेंड एटी फोर फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई सिक्स थाउजेंड सेवेंटी एट थाउजेंड डिवाइडेड बाई फाइव थाउजेंड एंड दिस डिवाइडेड बाई सिक्स थाउजेंड तो वी विल बी गेटिंग द आंसर एज रुपीज एंड दिस विल बी पर शेयर तो ट्वेल्व पॉइंट नाइन पर शेयर इसका वैल्यू सेकेंड वाले का वैल्यू डिवाइड करके आएगा फोर्टीन पॉइंट जीरो एट फिर तीसरे का डिवाइड करके आएगा रुपीस फिफ्टीन पॉइंट सिक्स फिर इसका डिवाइड करके आएगा रुपीस थर्टीन पॉइंट फाइव एट अभी देखो बहुत सिंपल तरीका है हमारे पास टोटल चार अल्टरनेटिव्स थे अभी हमें सजेस्ट करना है कि इन चारों अल्टरनेटिव्स में से कंपनी के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है तो वो कैसे ढूंढने का बहुत सिंपल मेथड है डोंट गेट कंफ्यूज सबसे सिंपल तरीका इनमें से सबसे ईपीएस पी किसका है अकबर अगर आप देखो तो हायर ई है अल्टरनेटिव थ्री का अभी अल्टरनेटिव थ्री क्या था वो पहले देख लेते अल्टरनेटिव थ्री क्या था अल्टरनेटिव थ्री था कि हम पूरा का पूरा टर्म लोन से ही लेने वाले हैं तीन लाख ,00 रुपया रेस करना था तो तीन लाख ,00 हमको कहाँ से रेस करना है टर्म लोन से ही रेस करना है तो जिसका भी ई सबसे हाइयर रहेगा वही अल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा तो कंक्लूजन कैसे लिखना है कि कंक्लूजन में हम ऐसे इस तरीके से कंक्लूजन लिख सकते हैं कि द अल्टरनेटिव थ्री इज सुटेबल फॉर द कंपनी विथ टेन परसेंट टर्म लोन only as EPS is higher as compared to other alternatives अदर तो काफ़ी सारे अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल थे उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा रहने वाला है उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव रहने वाला है अल्टरनेटिव थ्री क्यों अल्टरनेटिव थ्री बेस्ट है बिकॉज उसी अल्टरनेटिवस के बेसिस पे अगर हम कैपिटल को रेस करें तो हमारे लिए जो भी इक्विटी शेयर होल्डर से हमारे उनको EPS सबसे ज़्यादा मिल रहा है अगर उनको EPS सबसे ज़्यादा मिलेगा तो वो लोग सेटिस्फाइड होंगे और वही अल्टरनेटिव कंपनी के लिए बेस्ट माना जाएगा तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट इसका प्रैक्टिस करें ये क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें मैंने किस तरीके से इसको किया है ताकि आपका भी ओवरऑल इसके ऊपर ग्रिप आ जाए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बाय बाय टेक केयर